इसको जब हम बाहर लगाते हैं खुले खेत में, तो इसकी जो आयु होती है पौधे की वो लगभग 3.5 से 4 महीने में ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब हम इसको पॉली हाउस या नेट हाउस इसके अंदर या संरक्षित संरचनाओं में लगाते हैं, तो इसकी जो जीवन अवधि होती है वो लगभग 10 से 11 महीने तक की होती है। और तो आपको एक लंबा पीरियड मिलता है जिसमें आप फल की तुड़ाई कर सकते हैं। इसलिए जब हम किस्मों का चयन करते हैं तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जो किस्में हम अंदर लगाने के लिए, संरक्षित संरचनाओं में लगाने के लिए उपयोग करते हैं, वो असीमित बढ़वार वाली होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये किस्म जो है ये असीमित बढ़वार वाली है और ये 20-25 फुट तक ऊपर बढ़ सकती है। और हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली द्वारा इसकी जो संकर किस्म विकसित की गई है पूसा रक्षित, इसके अलावा एक दूसरी किस्म है पूसा टमाटर संरक्षित 1, जो कि जिसके फल गोल आकार के होते हैं और आप देख सकते हैं इस अच्छे किस्म के फल होते हैं और गुच्छों में इनकी फलत होती है। इसके अलावा चेरी टमाटर की हमारी 2 प्रजातियां जो कि संस्थान द्वारा विकसित की गई हैं पूसा चेरी 1, गोल आकार के फलत वाली होती है और लाल रंग की होती है। दूसरी किस्म है हमारी कि पूसा गोल्डन चेरी टोमेटो नंबर 2, पूसा जो गोल्डन चेरी नंबर 2 है ये सुनहरे आकार के इसके रंग के फल होते हैं और गोल आकार के होते हैं और ये बहुत ही इसमें जो बीटा कैरोटीन है विटामिन ए की जो मात्रा है बहुत अधिक है और इसमें जो विटामिन सी की मात्रा है एस्कॉर्बिक एसिड है वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आप इसको कटिंग के माध्यम से भी लगा सकते हैं और जैसे आप ये देख रहे हैं कि जो एक्जिलरी बड होता है जो ये यहाँ से नया सूट निकलता है इसको हम लेते हैं और इसको जो मृदा रहित माध्यम है उसमें आप लगा देते हैं तो 8 से 10 दिन के अंदर इसमें जड़ों का फुटाव हो जाता है और उन जड़ों के निकलने के बाद आप 22 से 25 दिन के अंदर इसको ज़मीन में रोपित कर सकते हैं और उससे आपकी ये फसल तैयार हो जाती है। और इसमें जो हम दूरी रखते हैं पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी जो है वो करीब 100 सेंटीमीटर रखते हैं। इस पे हम हमेशा सिंगल स्टेम एक ही तने को लेकर चलते हैं। लगभग 1000 स्क्वायर मीटर में हमें जो शुद्ध आय होती है वो लगभग 1,30,000 रुपये के आसपास होती है। इस समय जब गर्मी का मौसम होता है तो इसमें थोड़ा कीट पतंगों की समस्या बढ़ जाती है, जैसे कि इस समय जो रस चूसक कीट हैं उनकी तीव्रता हो जाती है, चाहे वो सफ़ेद मक्खी हो या जो हमारी माइट है रेड माइट है स्पाइडर माइट, तो वो लाल मकड़ी की समस्या हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमारे किसान भाइयों को जो एलो स्टिकी ट्रैप हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि अब आपके पॉली हाउस या नेट हाउस या जो भी संरक्षित संरचना है उसके अंदर जो कीटों की संख्या कितनी हो चुकी है। इसके लिए आप नीम सीड कर्नल ऑयल जो है नीम का तेल है 5 मिलीलीटर तेल को प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे कर सकते हैं, इससे भी इसकी रोकथाम हो सकती है। इसके अलावा जो सफ़ेद मक्खी है उसके लिए आप 1 मिलीलीटर इमिडा क्लोरोपिड दवाई को 3 लीटर पानी में मिलाकर उसका भी स्प्रे कर सकते हैं और जो हमारी लाल मकड़ी है उसके लिए आप ओवेरान या ओमाइट नामक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं।